खाना रखा है ना। अरे खराब हो जाएगा। हाँ ये भी है। खाना मस्त है, खाना मस्त है, लेकिन आप पैसा बहुत बता रहे हो। हम आपसे 10 बजे पहले देखो अपना मैगी बना देना, आपसे झूठ बोलेगा। अगर आपको एक ही आप फिर 35 जाएगी और आपसे बात कर लेते हैं, ज़्यादा दे रहा है तो मैं ठीक है। ये आपको जिंदगी लगाई अब पक्का। आप अगर इसमें कोई भी अगर यहाँ अगर कंप्लेंट होकर आपको पूछिए भैया कब से हो जा रही ठीक है जी। हमारी ट्रेन जौनपुर नहीं पहुंची है, हमें देखने को मिला है ये हरिन का वाटर पोर्टल, देख लीजिए। और भैया आपने कितने के लिए 20 रुपए की? ये हमारे एक पड़ोसी भैया हैं, इन्होंने ना बोतल ली है 20 रुपए की, और जो कि नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। रेल लीड नहीं दिया जा रहा है ट्रेन में, आप देख लीजिए ये है बोतल। दोस्तों हमारा खाना ये है, थाली ये है, देख लो पैकिंग ऐसी है, और ये है 180 रुपए की, ठीक है। इसको ओपन करके दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो देख लीजिए इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप के राइस मिल जाते हैं, ठीक है, और ये पनीर भाई, और यहाँ पे ये मिक्स वेज मिल जाता है हम लोगों को, और ये दाल, दाल का सारा पानी ऊपर आ चुका है, ठीक है, और 3 रोटियां हैं। अभी हम खाना टेस्ट किए हैं, खाने का टेस्ट तो सही है, और अभी वेट है बिल का, बिल आ जाएगा फिर देखते हैं कितने का बिल मिलता है और कब मिल जाता है। तो भाई साहब अभी हमने खाना खाया है, तो ये आया हमारा बिल, और ये थाली का बिल है आप देख लीजिए। इसमें शाही पनीर का 100 रुपये, मतलब अलग से 100 रुपये शाही पनीर के, और 80 रुपये वेज मिल के, तो 180 रुपये का बिल दिया है। कंप्लेंट तो हम पहले ही डाल दिए थे, लखनऊ पे ऑफिसर आ जाएंगे। और ये मैनुअल बिल है, ठीक है, ये देख लीजिए, बिल मिलना चाहिए प्रिंटेड, लेकिन ये मैनुअल बिल दिया गया है। केटरिंग किसका है, आरके का है, किसका है? ओम साई राम का केटरिंग है, ठीक है। चलो इनके मैनेजर को बुलाते हैं और बात करते हैं उनसे। 180 रुपये का बिल बना के इन्हें दिया है, वो भी मैनुअल। पहले हम आपसे स्टैंडर्ड वेज मिल पूछे, बोले नहीं है स्टैंडर्ड वेज मिल, एक खाना 150 रुपये का, अगर बिना बिल का खाना लीजिएगा तो 150 पड़ेगा, बिल के साथ लीजिएगा तो 180 रुपये पड़ेगा। हाँ ये तो बोला होगा मैंने, लेकिन मैंने ये नहीं बोला होगा ना, आपने बोला है स्टैंडर्ड वेज मिल के लिए माना किया आपने? नहीं नहीं, आपने माना किया? बोल रहे मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर इसके बारे में आपने माना किया भैया, सीधा बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ठीक है नहीं सुना होगा मैंने बोला स्टेट पे कहना, मैंने बिल्कुल नहीं, हमने आपसे आला काट के अकॉर्डिंग खाना की डिमांड नहीं की। पहली बार आला काट हमने खाना की डिमांड नहीं की, आला काट आपने जो बिल बना के दिया ना उस अकॉर्डिंग हमने आपसे खाने की डिमांड नहीं की। आपने सिर्फ मेरे को पूछा खाना, इसके अलावा कुछ पूछा क्या? पूछा वेज मिल? नहीं कुछ नहीं पूछा। पूछा आपके कहने से लोग ना, हमने पूछा आपसे स्टैंडर्ड वेज मिल है कि नहीं? आप कोई दूरी कर में यहाँ से वहाँ तक सभी को, ठीक है, हमने आपसे पूछा स्टैंडर्ड वेज मिल किसी को नहीं पता होता, ये भी खाना नहीं इसको पता है स्टैंडर्ड वेज मिल क्या होता है? नहीं आपको पता स्टैंडर्ड वेज मिल क्या होता है? हमें पता था, हमने आपसे डायरेक्ट पूछा स्टैंडर्ड वेज मिल है, आपने बोला नहीं, नहीं ये तो मैं नहीं आता था, ये तो आपने, अरे आप मत मानो, जबरदस्ती वाली बात है, मत मानो, पूछा होगा मैंने उसको इतना ही आपको जवाब दिया। नहीं नहीं आपने बोला है वही पूछा है, आपने ये बात मुझे बोला, मैंने आपने जो पूछा मैंने वो चीज आपको बताई है? नहीं आपने बोला वेज स्टैंडर्ड मिल नहीं, आपने 150 वाली एक आपको आइटम बताया या नहीं ये बताइए? आइटम 150 रुपए का आइटम, आइटम बताया आपने? पूछा होगा मेरे पास जो आइटम था मैंने वो आपको बताया, आइटम बताया आपसे डिमांड की? नहीं आप स्टैंडर्ड वेज में मुझे पता नहीं, आप स्टैंडर्ड वेज में क्या मांग रहे हैं क्या नहीं, ये बता, आपको नहीं पता, आप मैनेजर है स्टैंडर्ड वेज में क्या होता है इसका आपको नहीं पता है? स्टैंडर्ड वेज हमारे में है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड वेज हम कहाँ से लेते हैं? गाड़ी में स्टैंडर्ड वेज नहीं होता है, दूसरा जवाब दिया आपने, आप स्टैंडर्ड वेज में होता है कि नहीं होता है गाड़ी में? इस आदमी ने बताया आप आला कार्ड बिल बना के दे रहे आदमी को, चुकी समझ रखे हैं क्या आपको? आप डायरेक्ट वेज थाली आप लोग बोल के बेच रहे हैं, वेज थाली का प्राइस कितना होता है बताइए? बेस थाली का प्राइस कितना होता है? बेस थाली का तुम्हारा 1 पीस हो गया। हाँ हमने डिमांड की थी उसमें, आप एक्स्ट्रा ऐड करके दो भैया, हम अपना पार्ट में पड़ा हमने सबसे पहले पूछा एक चीज़ बताओ, पहले आपने डिमांड करेंगे 180 रुपये दीजिएगा, कैसा बिल की डिमांड करेंगे तो 180 रुपये नहीं मिल रहा है, जो बिल मांगेंगे उस हिसाब से बिल बना के देंगे। पहले पहले आपने 150 का बोला विदाउट बिल का, विदाउट गलत है, आला कार्ड के अकॉर्डिंग बिल बना हुआ है, आला कार्ड के अकॉर्डिंग बिल है ये, थाली का बिल नहीं है, और आपको शाही पनीर अलग से नहीं लेके आए,
ये आपने लिखा है शाही पनीर 100 रुपए अलग से, ये किस बात के हैं? आप थाली में लेके आए, किस में लेके आए हैं? थाली में और कितनी आता है? थाली में 100 रुपए का। आला कार्ट मेन्यू अलग होता है भैया, आला कार्ट मेन्यू अलग होता है, वेज मील अलग होता है थाली का। बिल गलत है, हमने आपसे थाली लिया, आला कार्ट मेन्यू की डिमांड नहीं की हमने आपसे। नहीं नहीं, और एक बात बताइए, एक बात बताइए, स्टैंड में रेल नीर क्यों नहीं है? रेल नीर क्यों नहीं है? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं दे रहा। भैया बैठे, भैया रेल नीर मिला आपको? दिखाना बोतल, दिखाना बाल्टी लेके आया। इधर आ, इधर रहने दो, आगे आगे बाल्टी रखना, नीचे नीचे रखिए, तो नीचे रखिए। तुमने बोला था नहीं नहीं नहीं, ये रेल नहीं रहे। अरे मैं लेके आ रहा हूँ, चलो 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 आप आगे जाओ। कितने की, ये रेल नहीं रहे, जब बोल रहे तो बहस कर रहे हैं आप। और 20 रुपए का पानी, और ये पानी भी 20 रुपए का बेचा जा रहा है, नहीं बेचा रहा है? अभी आपने कितनी चीज़, अभी सुनो मेरी बात, अभी आप क्या कह रहे थे कि मेन्यू कार्ड देख लो, ठीक है, ये पानी कितने का होता है? कौन सा पानी? 15 रुपए का। ये 20 का बेचा जा रहा है पैसेंजर को, और रेल नीर कौन सामने बैठे सब सबको दिया गया है? रेल नीर 15 रुपए का है, रेल नीर। तो रेल नीर क्यों नहीं है? रेल नीर मैंने तो बोला है ही नहीं, ये सामने भैया बोल रहे नहीं मिल रहा। भैया बोल रहे हैं वहाँ रखा है पेंट्री में। भैया आपको बोतल कितने का दिया गया? ये 20 रुपए का बोतल दिया है, पानी ठीक है अपना। नहीं नहीं, बाहर वाले की बात नहीं है, ये बाहर थोड़ी ना, आपको पेंट्री का ये तो। और हमने हमने उनसे बोला थे रेल नीर लागे दीजिए, तो बोलते हैं भाई पेंट्री में चले जाए, वहाँ मिलेगा आपको। देखिए आप अगर कोई चीज नाश्ते में होता है आपको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एडजस्ट किस बात का? नहीं पानी अगर जैसे खत्म हो गया जैसे अपना अपना रेल नीर, पानी एक बोतल नहीं आया है रेल नीर का, रेलवे पानी भी। एक सवाल करेंगे, ट्रेन कहाँ से चली है? आपका वाराणसी से चली है, वाराणसी से चले, वाराणसी में पहला भी आया था पानी लेने के लिए, उसी समय रेल नीर था। क्या ये बताओ इसमें लोकल पानी अप्रूव है रेलवे में? रेल नीर के अलावा फिर कैसे आ गया ये? अगर है भी तो रेलवे के अप्रूव वाटर बॉटल का आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, आपको सर्विस तो देना ही है सर, आपको सर्विस देना बिल जाए बिल दो ना भाई। वो भी है रेलवे 15 की आती है, बिल दिया 180 का बना के। हाँ तो बिल दिया, खाना तो वही है ना, खाना तो वही है ना, खाना तो वही है ना, खाना तो वही है, तो फिर वही तो पूछ रहे हो उसको। बिल तो सर अपना जैसे है, तो बिल तो साथ ही बनाएंगे। वो क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बिल 180 का बनाया था, 150 इनसे भी लेंगे। हाँ अच्छा, तो फिर बिल 180 का क्यों बनाया? अब वो जो है आप ये बताया, तो साथ में कौन बताया, किसी कौन बताया? जो पनीर या शाही पनीर का जो रेट है उसी हिसाब से लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? वो थाली है भैया, वो एक थाली है, वो थाली हो गई, वो आइटम नहीं है। आला कार्ड मेन्यू नहीं है, चावल आता है, दो पीस वाली आती है। क्या आती है? दो चावल आता है, 4 पीस रोटी आता है, दही आता है, आता है भैया 2 पीस पराठा लेने के लिए, चार रोटी और स्वीट घी। आपने नहीं सर आता बिल्कुल, ये दो काम। अरे हम पढ़े हुए हैं IRCTC मेन्यू में, फोन है तो सर आप एक बार जानकारी मेन्यू बिल्कुल बिल्कुल। दो साल से आप भी देख रहे हैं, लव गांधी साहब ये सब जो है। सुनो हम ट्रेन में ही रहते हैं, पहले ट्रेन का ही काम करते हैं। मिलता था सर क्या? नहीं पाव चलता था, फिर पाव के गिलास भी चालू हुआ। ये बताओ दही मिलता है? नहीं मिलता, नहीं मिलता है, बिल्कुल बंद था। दही और दही की जगह स्वीट नहीं मिलता, अप्रूव नहीं है क्या? जो वेज मील थाली होती है उसमें दही या स्वीट? ये आप देखिए, देखिए वो इधर देखिए, दो पराठा नहीं तो 4 रोटी चपाती। IRCTC का मेन्यू कार्ड है, IRCTC का मेन्यू कार्ड में इसमें दही भी लिखा हुआ है।
और जितना चीज़ आप लोग ये कह रहे हैं कि पनीर हमने दिया है वो भी है, इसलिए ये देखते हैं यहाँ पे आप कि ये दाल सांभर आप इधर दही है, वेजिटेबल करिए, दो वेजिटेबल है जो आपने, दो वेजिटेबल दिया है, दाल दिया है, प्लेन राइस दिया, आपने रोटी दी, पुराने मिल नहीं, यही चल रहा है कौन, ये प्रशांति एक्सप्रेस का मेन्यू कार्ड है, IRCTC का एक ही होता है सर, यहाँ एक भी गाड़ी हमने चला, राजधानी शताब्दी छोड़ी, एक ही बिल, एक ही अप्रूव्ड है, एक ही अप्रूव्ड है, एक ही चीज वगैरह ये बता रहे हैं, सब सब चलता है, कोई देता नहीं है, सब चलता है। अब साहब हम तो ये देखो इस रूट पे एक साल से देख रहे हैं सब, कोई नहीं, अरे अरे नहीं दे रहा भाई, तो आपका मैनेजर नहीं मिल रहा है, कैटरिंग कंपनी से नहीं मिल रहा है, वहाँ मार रहे हैं आप लोग पैसा, ऐसा थोड़ी है जी हम पहली बार ट्रेन में घूमे हैं। मतलब आप 200 हमसे 150 चार्ज कीजिए और इनसे 80 रुपए चार्ज कीजिए। नहीं नहीं भैया एक काम करो, इनका भी पैसा रिटर्न करवा दो, ठीक है, सीधी सी बात, ठीक है, इनका भी पैसा रिफंड करवा दीजिए। आपको सीन बता देते, आपने सीन देखा ही था, हमने बिल मांगा था, बिल उन्होंने कैसा दिया आपने देख ही लिया, फिर उनसे थोड़ा सा बहस हुआ, हमने कंप्लेंट कर दिया, कंप्लेंट करने के बाद वो सॉरी बोलते हैं, मैं कंप्लेंट कर दिया था, फिर मैनेजर आए, मैनेजर ने समझाया और डांटा अपने स्टाफ को और उनसे बोला कि ऐसा नहीं करने का, हमने एक पैसेंजर के पैसे ही वापस करवाए, उनको 150 रुपये का खाना दिया था, उनके 80 रुपये ही लिए गए और हमारे भी 80 रुपये ही लिए गए हैं, 160 रुपये हमने पे किए, रेल नीर नहीं दिया जा रहा था, वो भी रेल नीर हमने मंगवाया और वो भी 15 रुपये का, ठीक है। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में तो हमेशा ध्यान रखें, 80 रुपये का खाना होता है वेज थाली का, एक वेज थाली का प्राइस ना 80 रुपये का होता है, रेल नीर का प्राइस है 15 रुपये, लेकिन आपको 20 रुपये नहीं देने हैं तो 15 ही दीजिए। अगर हाँ कहीं कहीं बात होती है आप कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको बता दूँ 139 पे कॉल करिए, ठीक है, और कंप्लेंट करिए, अपना PNR नंबर बताना होता है और कंप्लेंट करनी होती है, आप कंप्लेंट करेंगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए 80 रुपये का वेज थाली होता है, 15 रुपये का रेल नीर होता है, उससे ज़्यादा मत दीजिए।